नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आज रामपुर दौरे पे थे और आजम खान की फैमिली से मिले, उनकी पत्नी से मिले और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने प्रेस के लोगों के साथ बातचीत की और बहुत बड़ी बात की है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा और क्या बोले। और याद कीजिए, उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक या जो लोग आज चला रहे हैं उनसे कभी सवाल पूछिएगा कि जिस प्रदेश में आपने यूनिवर्सिटी खोली थी उस यूनिवर्सिटी का एक्ट खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो नेताजी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम और एक्ट बनाने का काम किया था, जिसकी वजह से आज एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप को दावा करती है कि वो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो नोएडा में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये हमेशा विकास को विनाश मनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी? विधानसभा में कहते हैं ठोक देंगे और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस ली उस बात को और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पर मुआवजा दीजिए आप। सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? ये दूसरों को दुख देते हैं। अभी जो घटना हुई बदायूं में, जिसने भी वो कहानी पढ़ी होगी उस महिला की,